असलकम, क्या हाल है? कैसे हैं लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे, घरों को घर दे, जिनके पास औलाद नहीं उनको नेक साले औलाद दे, आमीन। चलिए, हमने आपको दिखा दिए दरख्त, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जी, यहाँ पे लगे हैं सेब। फिर हम गए उधर वॉक करने, ने वॉक की, फिर घर आए। फिर जी हमने लिया आटा, मल्टीग्रेन आटा था वो लिया मैंने। फिर इनका भी आटा था जो बगैर वो थे शुगर के, वो लेके मैंने प्याज वो काटे, काट के उनको पानी निकाल लिया उनका, और थोड़ा सा बेसन डाला, उसको गूंथ लिया। गूंथ के मैंने रख दिया, नमक बने डाल दिया, कश्मीरी मिर्च डाली, दरदरी मिर्चें डाली, नमक डाला, कोरिएंडर डाला, सारे मसाले डाल दिए हमने। फिर हमने रख दिया उसको, थोड़ी देर गूंथ के रखना ज़रूरी होता है ना, फिर वापस में मिक्स हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर बंदा पका सकता है ना। फिर वो मैंने बेसन भी ले लिया, उसमें आलू डाल, एक आलू डाल लिया, एक आलू था मेरे पास। फिर थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया, नमक मिर्च डाल दिया, उसको भी मैंने करके रख दिया। फिर वो नमाज का टाइम हो रहा था, फिर मैं नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ी, फिर इसके बाद फारग हो के हम आ गए। फिर हमने चलो कढ़ाई ली, एक इस तरह की कढ़ाई ले लें, फिर उसमें डाल दें, एक तरफ वो पानी डाला लगा के, तो कढ़ाई में मैंने ऊपर लगा ली मैंने। फिर जी इसके अंदर वो मैंने ये एक अंडा था वो भी वो मैंने ऊपर लगाया, ताकि अच्छी तरह वो हो जाए, इसका कलर अच्छा आ जाए। ऊपर मैंने वो लगाया बेसन, बेसन का वो जो था, बेसन लगाया, और लगा के उसको अच्छी तरह से पका ली रोटी, और इतनी मज़े की बनी थी ना, और फिर लस्सी के साथ खाई, फिर बहुत मज़ेदार लगी हमें। अच्छी तरह कढ़ाई गर्म हो जाए ना, फिर लगाए रोटी ना, फिर खाए ना ऐसे। आजकल गर्मी है ना, इस तरह करके खाने को दिल करता है। फिर बड़े मज़े की रोटी बने, पकी थी सही, नीचे से सही पकी थी, मिसी रोटी से कहते हैं ना। गांव में अम्मी तंदूर पे बनाती थी, वो बहुत मज़े की बनती थी। ज़ाहिर हमारे पास तंदूर तो नहीं है ना, जदीद निज़ाम आ गया है। वे हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में बनाए, एक तरफ हमने पानी लगाया जो नीचे हमने कढ़ाई के ऊपर डालना था ना, ये पानी डाल के ना, एक तरफ हमने बेसन वे लगा दिए। बेसन के अंदर हमने एक आलू डाला था, थोड़ा सा ग्रीन आनियन डाला, और फिर इसके अंदर हमने धनिया थोड़ा सा डाला, नमक मिर्च डाला। इस तरह हमने कढ़ाई गर्म करके ये इस तरह रोटी डाल दी। 1 घंटा हमने आटा रखा था ताकि अच्छी तरह अपनी जगह पकड़ ले। फिर हमने अच्छी तरह बेसन लगा के, फिर हमने उल्टा सीधा किया, उल्टा सीधा करते रहे, 2-3 दफ़ा उल्टा सीधा किया इसको। ये देखें, फ्राई पान में भी किया था लेकिन उसमें सही नहीं बना। फिर हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई जो है कढ़ाई में सही बन गया था। फिर उल्टा करके रख दिया, थोड़ी देर उल्टा करके रखा तो वो अपनी जगह पे रोटी आ गई थी, यानी कि मतलब वो इस काबुल हो गई थी कि फिर उसके अंदर एक अंडा वो हमने
उसको मिक्स करके तो ब्रश के साथ लगा दिया था ताकि उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें, थोड़ी देर रखे ना, फिर अंडा लगाएं, फिर ये देखें इसका कलर कितना प्यारा निकलता है। आजकल गर्मी गर्मी है ना, ऐसे करके खाएं ना, बहुत मज़ा करती है रोटी लस्सी के साथ। ये देखें आग लगा के देखें, फिर इस तरह करके करेंगे ना, थोड़ी देर बंद करके रखेंगे ना, तो ये सारा जो है ना बेसन नीचे नहीं गिरेगा। ये देखें रोटी कितनी मज़े की बनी है, ये देखें साथ लस्सी हो, साथ भूख भी लगी। वाह वाह, फिर तो क्या कहने वही रोटी के। तो ये देखें ऊपर लगा दें थोड़ा सा ये बेसन, वो लगा दें एग, लगा एक एग ले लें, उसको तोड़ के रख लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें अब इसको उल्टा करेंगे ना तो इसका कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। मैंने दोनों हाथों पे चढ़ा लिए थे, हाथ जल जाते हैं ना बंदे के, इस तरह करें ना हाथ जल जाते हैं। ये देखे बन गई रोटी, ये भी बन गई, पहले वाली बन गई, ये भी बन गई। बच्चे आए थे खेल रहे थे, शाम को फिर बच्चे आ गए, बच्चों ने बेसन की रोटी खाई, उनको बहुत मजा आया, खेलते रहे। फिर जी हमने सालन बना लिया, थोड़ा सा बीफ पड़ा हुआ था, फिर जी हमने गला लिया, गला के वो सेब लाई थी मैं गई थी ना लेक में, तो ये एप्पल जो आप कुकिंग करके खा सकते हैं, इसका आप जूस निकाल सकते हैं, और इसके आप बेशक वो कुकिंग कर लें इसकी, दो तीन ये डालें, प्याज डालें, नमक डालें, शुगर के मरीज ये खा सकते हैं। हमारी तरफ से बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, वो अरवी वगैरह होती है, तो यहाँ पे नहीं। ये देखे लैक में मैं गई हूँ, वहाँ कश्ती देखी, फिर मैंने वो दरख्त से मैंने एप्पल उतारे, ये देखें एप्पल कितने रेड हो गए हैं। ये मैं उतार के ले आई थोड़े थोड़े करके, मैंने कहा इतने ज्यादा उठाए नहीं जाते ना, थोड़े से लिए मैंने। ये 2 दिन पुरानी वीडियो है, वो टाइम नहीं मिल रहा था, अपलोड करो। ये देखें ये डक तो मुझे नजर नहीं आई, ये बतख का को बच्चा नजर आए, बस एक ही है ये।